ऊनी कपड़े, क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है, वो माता आ चुकी है। खाना खाते वक्त टेस्ट करके बताएंगे कैसी, इतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो इतना सब कुछ खाने वाली है, देख लो आप मुंह उधर करके। तरीके से डॉक्टर ऑपरेशन करने जाते हैं तो तुम्हें ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं, उसी तरीके से ग्लव्स पहन कर यहाँ बालों में मेहंदी लगाई जा रही है। दोस्तों फ्लिपकार्ट से ये पार्सल आया है जो कि मंगवाया था, किसने बनाया? हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जिम्मी ने आप लोग चैनल पर। और दोस्तों अभी फिलहाल मैं हूँ नीचे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये शॉप है और घर में शॉप है। तो अभी तो फिलहाल तो पापा और मम्मी निकल रहे हैं, तो पापा तो जाएंगे स्कूल और मम्मी को छोड़ देंगे पुराने वाले घर पर, क्योंकि मम्मी को लेकर आने कुछ ऊनी कपड़े, क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है। नेहा किचन में खाना बना रही है, तो जल्दी से इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए स्पेशल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मम्मी पापा को कह देते हैं बाय बाय और उसके बाद चलते हैं किचन में कि नेहा ने क्या बनाया स्पेशल। और दोस्तों ये कल वाली जो टी शर्ट है वही पहन रखी है, क्योंकि अभी है मेरी तबीयत खराब, तो मैं अभी नहीं नहाने वाला हूँ, मैं नहाने वाला हूँ लेट, हो सकता है दिन में 2-3 बजे करीबन। तो फिलहाल इसी टी शर्ट में हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मम्मी पापा तो निकल रहे हैं, पापा तो जाएंगे स्कूल और मम्मी को छोड़ देंगे पुराने वाले घर पर, और जो पुराना वाला घर है वहाँ पर रहती है भावना वगैरह, तो फिलहाल छोटा भाई वहीं रहता है, तो वहाँ पर ही सारा सामान रखा हुआ है। तो सर्दी के जितने भी कपड़े वगैरह हैं ना वो सब कुछ लेकर आ रहे हैं। तो फिलहाल मम्मी शाम को पापा के साथ ही स्कूल से जब पापा आएंगे तो पापा मम्मी को लेते हुए आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है अभी काऊ जो कि युवंश देख रहा है, और गाय माता गौ माता आ चुकी है। तो फिलहाल इनके लिए रोटी लेने जा रही है नेहा। दोस्तों अभी आ चुके हैं किचन में और फिलहाल देखने की खाने में क्या क्या बनाया। तो यहाँ पर है अमरूद की सब्जी, और इसे हमारे हाड़ौती भाषा में जामफल भी बोला जाता है हाड़ौती क्षेत्र में। तो अमरूद की सब्जी है, और इधर है दाल, और चपाती, और इसमें है सरसों की सब्जी, सरसों की सब्जी। और फिलहाल अब बन रहे हैं चावल, तो खाना वगैरह खाएंगे, जोरों से भूख लग रही है। और इस सीजन में ये अमरूद की सब्जी पहली बार है घर पे, तो खाना तो बनता है और खाना खाते वक्त टेस्ट करके बताएंगे कैसी है। तो बाकी अमरूद की तो सब्जी बन चुकी है, 2 अमरूद यहाँ पर है और इनको नमक मिर्ची डालकर खाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लग चुकी है मेरी प्लेट, तो मैंने यहाँ पर केवल चपाती ली है और ली है अमरूद की सब्जी, और छोटी सी प्लेट है और सब्जी आपको कम नजर आ रही होगी, तो इतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, तो वाला हिसाब है। पहले इसको खा ले, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो और ले लेंगे, वैसे मैं कम ही खाता हूँ। तो फिलहाल रोटी वगैरह तो मेरा न्यू मान लो, अगर 5 की बोल देता हूँ तो मैं 3 रोटी या 2 रोटी खाता हूँ। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेहा कर रही है बर्तन साफ, तो चलिए फटाफट से जल्दी से खा लेते हैं और बताते हैं कि टेस्ट कैसा है इस अमरूद की सब्जी का, क्योंकि सीजन की फर्स्ट सब्जी है। तो दोस्तों अमरूद की सब्जी इस सीजन में, तो आप भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ खाना। तो फिलहाल खा के बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है इसका। बहुत ही खट्टी मीठी है और अच्छी लगी। अमरूद की सब्जी की रेसिपी वगैरह चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, एक बार बना के भी बता देंगे। तो वाकई में लाजवाब है, और जिनके घर में बनती है वो लोग जानते हैं कितनी टेस्टी होती है। तो फिलहाल मैं खाना वगैरह खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ वापस आपसे व्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पर लग चुकी है प्लेट, जिसके अंदर है अमरूद की सब्जी, ये है दाल, ये है सरसों की सब्जी, ये है भरता और चपाती। तो फिलहाल यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और ये है नया की प्लेट। तो इतना सब कुछ खाने वाली है, देख लो आप मुंह उधर करके, नाटक मत करो, ये देख सकते हो आप। यहाँ देखो इस गरीब की थाली, जिसके अंदर केवल है अमरूद की सब्जी और आधी चपाती बनी हुई है। ये है चाय की पत्ती जो मैंने मेहंदी में उबाली थी, वो वाली, तो इसे फालतू नहीं फेंकेंगे हम, क्योंकि ये है गुलाब का पौधा और इसमें डाल देंगे इसको, ये बहुत अच्छी होती है, अच्छे खाद का काम करती है, इसीलिए पत्ती में इसमें डाल देती हूँ, ताकि जो चाय की उबली हुई पत्ती बचती है ना वो पौधों में डाल दें, तो बहुत अच्छा खाद का काम करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर युवंश कर रहा अभी होमवर्क इसके ट्यूशन का, और यहाँ पर नेहा लगा रही है मेहंदी बालों में। तो फिलहाल आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ,
तो यहाँ पर देख लीजिए जिस तरीके से डॉक्टर ऑपरेशन करने जाते हैं तो मैं ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं, उसी तरीके से ग्लव्स पहन कर यहाँ बालों में मेहंदी लगाई जा रही है, तो देख सकते हैं आप। तो चलिए आपको बैक कैमरे से बताता हूँ कि किस तरीके से मेहंदी लगा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसा सर्दी आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो इसीलिए अब सर्दी में तो मेहंदी लगा नहीं पाऊंगी मैं, इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज ही लगा लेती हूँ एक बार, ताकि फिर ठंड में क्या है मेहंदी वेहंदी लगाई नहीं जाती, और थोड़े से व्हाइट हेयर आ गए हैं तो मेहंदी लगा लूंगी। और ये मेहंदी मैंने रात को ही गला के रख ली थी, मतलब इसमें थोड़ा सा मैंने आंवला पाउडर भी डाल लिया था, और चाय की पत्ती का पानी उबाला है इसमें मैंने, चाय की पत्ती और थोड़ी सी लौंग भी डाली थी ताकि कलर अच्छा सा आ जाए इसमें। और इसमें फिर सुबह मैंने इसमें थोड़ा सा मेथी दाने का पानी भी डाला है ताकि बाल नहीं गिरे, क्योंकि मेरे को बाल हेयर फॉल मेरे को बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा मेथी दाना भी डाला है इसमें, मेथी दाने का पानी उबाल के डाला है। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ मेहंदी, और जो बचेगी जो पतिदेव अगर लगाना चाहेंगे तो मैं इनके लगा दूंगी, क्योंकि आज मम्मी तो यहाँ है नहीं, इसलिए मुझे खुद से मेहंदी लगानी पड़ेगी, वरना मैं मम्मी को बोल देती तो वो लगा देते मेरे को मेहंदी, लेकिन मम्मी आज है नहीं, मम्मी पुराने घर की तरफ गए हुए हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट से ये पार्सल आया है जो कि मंगवाया था, अब इसको मैं ओपन करके देखता हूँ कि इसके अंदर है क्या, और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चीज है इसके अंदर जो मैंने मंगवाई थी। ये है वो चीज, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह क्या चीज है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये बैटरी है, और ये बैटरी किस चीज की है भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये बैटरी है इस घड़ी की, जी हाँ डिजिटल घड़ी की, ये कॉलिंग घड़ी है, इसके अंदर कॉलिंग वगैरह व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो ये वाली घड़ी है उसकी बैटरी है, तो वो इसमें डालेंगे फिर आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये काम करती है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर डाल के। तो इसको ऑन करते हैं, अगर ऑन हो जाती है तो ये ऑन हो चुकी है हमारी घड़ी, तो हमारी घड़ी चालू हो चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मतलब 2500-3000 की घड़ी है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, मतलब जब तक कि इसमें बैटरी न डले तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब ये वापस से मतलब हो चुकी है कि हाँ अब घड़ी जो कि इस बॉक्स में आया था, तो ये बॉक्स कंप्लीट है। अब इस बॉक्स में आप देख रहे होंगे पीछे शॉप है, तो गिफ्ट वगैरह है तो कुछ भी छोटा मोटा गिफ्ट इसके अंदर पैक कर सकते हैं, तो एक फायदा ये मिल गया। तो इस बॉक्स को रख दूंगा मैं शॉप पर संभाल के, और बाकी हमारी बैटरी इसके अंदर डल ही चुकी है, और ये वाली बैटरी हम फेंक देंगे। तो दोस्तों अभी मैं हूँ किचन में, और यहाँ पर लग रही थी युवंश को जोरों से भूख, तो युवंश ब्रेड मांग रहा था, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि मैं ब्रेड नहीं दूंगा, सुबह एक बार ब्रेड दे देते हैं, बार बार ब्रेड देना भी मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बच्चों के लिए, वो ठीक नहीं है उनकी हेल्थ के लिए। तो फिलहाल मैंने युवंश को बोला पोहे बना दूं, तो युवंश बोला हाँ पोहे बना दो, तो अभी फिलहाल मैं पोहे की तैयारी कर रहा हूँ। तो प्याज वगैरह हरी मिर्च वगैरह को तो मैंने गैस पर कर दिया है, मतलब अब उनको फ्राई कर रहा हूँ, पोहे मैंने गला कर रख दिए हैं, तो फिलहाल मैं ही पोहे बना रहा हूँ। नेहा ऊपर है तो ऊपर का काम कर रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही युवंश को पोहे बनाकर खिला दूं, तो वो बोला कि हाँ पापा ठीक है। तो युवंश बाहर वेट कर रहा हूँ, मैं पोहे बना रहा हूँ युवंश के लिए, तो फटाफट से पोहे वगैरह बना लेते हैं। पर मतलब हमारे पोहे रेडी हो चुके हैं और कम्प्लीट आप लोग देख सकते हैं, तो हमारे पोहे रेडी है, बस फिलहाल अब इनको निकालेंगे सर्व करेंगे और फिर युवंश को खिलाएंगे, और युवंश से पूछेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, तो युवंश सही है आपको बताने वाला है कि इसका टेस्ट कैसा है। तो फिलहाल हमारे पोहे रेडी हो चुके हैं, कैसे लगे है। अच्छे हैं हाँ। किसने बनाए पापा ने। हाँ अच्छे लगे ना आपको हाँ। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं पोहे मेरे हाथ के, युवंश को तो काफी ज्यादा पसंद आए है ना युवंश। तो चलिए दोस्तों फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता और युवंश को करवा देते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं ब्लॉग में वापस। तो दोस्तों थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो नाया नहीं था, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और अब नहाने की इच्छा हो रही है तो नहा लिया जाए। बाकी आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए स्पेशल वीडियोस के साथ साथ डेली ब्लॉग्स लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स भी लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर खत्म, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।